फिर सब आ गए हैं। श्री गायत्री देव्ये स्वाहा, ओम श्री गाय ओम बुधाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम बुधाय नेशनल डे भी और साथ का धनतेरस भी, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ये आयुर्वेद का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, धन्वंतरी जयंती। आयुर्वेद का जो शुरुआत हुई थी धन्वंतरी जी ने की थी, समुद्र मंथन हुआ था उसमें से धन्वंतरी जी निकले थे, जिन्होंने विश्व को जो है आयुर्वेद का उपहार दिया जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इसका पालन करके हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं वो हमें हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों से पता चलता है कि हमें कैसा आहार विहार करना चाहिए, हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, हमारा योग कैसे करना चाहिए। योगाभ्यास के बारे में भी इसमें है वर्णन कि हमें उन उपायों को अपनाकर हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और बिना दवाई के हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, जो कि इस कोरोना काल में बहुत उपयोगी है। और हमारे जो जैसे कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उन्होंने कैसे आयुर्वेद को अपना के बिना मेडिसिन के वो ठीक हुए हैं, उन सब का वर्णन हमारे आयुर्वेद में है। जो कार्यक्रम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में चलाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में धन्वंतरी दिवस का जो उत्सव है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जैसे कि आज सबको पता है कि आज धनतेरस भी है और धन्वंतरी का दिवस भी मनाया जा रहा है। इसको हम आयुर्वेद में जो आज नेशनल आयुर्वेदा डे के नाम से भी आज जाना जाता है, ये 6th नेशनल आयुर्वेदा डे है। आप सबको ज्ञात ही होगा कि इसी दिन हमारे भगवान धन्वंतरी जी ने विष्णु का अवतार लेके प्रकट हुए थे और अपना जो आयुर्वेद का ज्ञान का सागर है हमारे पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने अपने ज्ञान का सागर बांटा। थैंक यू।